Hey guys, welcome to my channel Namraz Tricks. This is my video for Google Form. बहुत दिनों हो गए थे वीडियो कोई नहीं डाली थी, तो चलो सोचा एक न्यू वीडियो से दोबारा चैनल को रिस्टार्ट किया जाए. तो हमारी वीडियो है Google Form से रिलेटेड. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लॉगिन नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है जी, हम गूगल फॉर्म पे करने के लिए हम यहाँ पे गूगल फॉर्म सर्च नहीं करेंगे. अगर आपने यहाँ पे अभी तक लॉगिन नहीं किया आईडी, तो लॉगिन कर लीजिए. इसके बराबर में आपके पास 9 डॉट्स वाला एक अदद ऑप्शन होता है, आपने उस पर चले जाना है. और उसके बाद सबसे लास्ट पर चले जाएँगे तो आपके पास फॉर्म्स का ऑप्शन आ रहा होता है, आप फॉर्म्स पर चले जाइए. ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको ये 3-4 ऑप्शन दे रहा है, टी शर्ट साइन अप, पार्टी इनवाइट, RSVP और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, या आप ब्लैंक भी ले सकते हैं. ठीक है, हम ब्लैंक पे फॉर एग्जांपल चले जाते हैं. अब फॉर एग्जांपल मुझे भरना है सर्वे फॉर्म. ठीक है जी, मैंने यहाँ पे डाल लेना है. सर्वे ओह माय गॉड, मौसम इतना ठंडा हो गया है आजकल कि इंसान का बोलना भी मुश्किल हो गया. ठीक है जी, सर्वे फॉर्म के लिए हमने डाल दिया है. हम जो भी अपना फॉर्म का नेम लगाना चाह रहे हैं वो हमने नाम दे देना है. अच्छा जी, हमेशा वैसे फॉर एग्जांपल आप नाम हमेशा वही देते हैं यहाँ पे मेनली, जैसे पता लग जाए कि ये किस चीज़ का फॉर्म है. ठीक है, क्योंकि ये आपको शो कर रहा होता है कि किस टाइप का आपने फॉर्म रखना है और क्या रखना है. इसलिए यहाँ पे हमने सर्वे फॉर्म रख लिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रिसर्च पेपर का अगर फॉर्म बना रहे हैं तो ज़रूरी है आप यहाँ पर वो नाम रखें, ताकि आपका ये देखें इन्होंने हाईलाइट वगैरह भी करने के लिए जो है वो ऑप्शन दे दिए. लिंक भी अगर आप अपनी वेबसाइट का डालना चाहें डाल सकते हैं. ठीक है जी, प्यारा सा कर दिया इन्होंने, बट दिस इज़ नॉट अ फॉर्म टू मेक राइट लेटर लाइक दैट. आप इसको किसी हाल में भी इसको आपने किसी हाल में भी इटैलिक में नहीं लेना है, नहीं तो ये बहुत जो है वो अनप्रोफेशनल लगता है. फॉर्म की डिस्क्रिप्शन है. फॉर एग्जांपल आपने सर्वे लिख दिया, अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये फॉर्म किस से रिलेटेड है आप ये लिख दें, तो आप यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इट्स लाइक अ रिसर्च फॉर किड्स नर्सरिंग ऐप, या और भी आप कुछ भी. सबसे अच्छी बात यह है कि स्पेलिंग मिस्टेक भी हो तो बेचारा बुरा नहीं मानता, आपको ऑप्शन दे देता है कि ये लिख लें. ठीक है जी, अब आपने यहाँ पे इसको कम लिटिल सा बोल्ड कर लेना है. सही है, फिर फॉर एग्जांपल आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना है. अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, उसके बाद अगर आप बुलेट पॉइंट्स देना चाह रहे हैं तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दे देंगे करके. मल्टीपल चॉइस देना चाह रहे हैं या चेक बॉक्सेस देने चाह रहे हैं तो इसका भी इन्होंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है. देखेंगे यहाँ पे आपके पास शॉर्ट आंसर की भी बॉक्स, अगर शॉर्ट आंसर पे कर देती हूँ तो आप ये देखें ये इन्होंने बॉक्स दे दिया. आप जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखे और शॉर्ट आंसर के लिए इन्होंने आपको एक लाइन दे दी. ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो ये लॉन्ग पैराग्राफ के लिए इन्होंने लाइन दे दी है. और इट्स मेक सेंस, मल्टीपल चॉइस अगर आप दे देंगे तो अब आप मल्टीपल चॉइस करेंगे, ऐड ऑप्शन करेंगे तो ये ऑप्शन ऐड करता जाएगा. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गूगल ने हमारा काम इतना शदीद किस्म का आसान कर दिया है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा झमेलों में पड़ने की. फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेक बॉक्सेस हैं, आप देखें चेक बॉक्सेस भी आप दे सकते हैं. मैंने चेक बॉक्स किया, और अगर आपको ज़्यादा चेक बॉक्सेस चाहिए तो आप ज़्यादा चेक बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं, या ऊपर वाले ऑप्शन को नीचे और नीचे वाले ऑप्शन को ऊपर भी कर सकते हैं. ज़रा 2-4 और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं.
ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे अगर आप कोई इमेज डालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कोई इमेज भी डाल सकते हैं, और इधर से क्रॉस करके उन ऑप्शंस को हटा भी सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप ड्रॉप डाउन डालना चाह रहे हैं तो ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन आ गया हमारे पास। हम यहाँ पे एक ऑप्शन डालेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये सारे ऑप्शन हटा दिए, ऐड ऑप्शन, फिर ऐड ऑप्शन करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आपके पास ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। लेकिन जब आप फॉर्म करेंगे तो फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन की तरह ही आना होगा, ठीक है जी। अगर अब आप कोई फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से फाइल भी अपलोड कर सकते हैं इजीली। लीनियर स्केल पे करना चाह रहे हैं या मल्टीपल चॉइस ग्रेड में करना चाह रहे हैं, फॉर्म हमारा लंबा हो जाता है तो ज़्यादा लंबे पेजेस तक चला जाता है, तो यहाँ चार ऑप्शंस आप लाइन से देने की जगह आप ग्रिड फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है जी। चेकबॉक्स ग्रिड भी दे सकते हैं। डेट अगर आपको मेंशन करनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको डेट मेंशन करने की, गूगल है ना सारा ये काम करने के लिए। टाइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल करके देगा सब आपके लिए। इमेजेस डालनी है, वीडियोस डालनी है, आपको सब काम बेचारा गूगल करके दे रहा होता है। हमने कोई जो है ना वो इसको नहीं करना है। अच्छा, एक इन्होंने ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है कि क्वेश्चन आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात, एक रिक्वायर्ड की अगर आप फील्ड आपने देखा होगा एक रेड से ऑप्शन आ रहा होता है तो वो रिक्वायर्ड का ऑप्शन दे रहा होता है कि अगर आपने रिक्वायर्ड नहीं जो है वो नहीं भरा तो वो आपको फॉर्म पे आगे लेके नहीं जाएगा। इसलिए देखें, ये सबसे अच्छी चीज़ है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। अब ऑप्शनल अगर आप रखेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी क्वेश्चन डाल दिया है, व्हाट काइंड ऑफ एप्स यू लाइक टू यूज फॉर योर किड्स, ठीक है जी। यहाँ पे हम ऑप्शंस दे देते हैं, इस्लामिक, एजुकेशनल। अच्छा जी, वैसे इस चीज़ को आपने खाते में लाना है कि आपने हर हाल में हर चीज़ कैपिटल रखनी है, ठीक है जी। इट मेक्स मोर प्रोफेशनल वे, ठीक है जी। और गेमिंग ऐप जी, बस हम तीन ही ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है जी। अब हम दूसरा ऑप्शन अगर डाल देते हैं, ये हम चेकबॉक्स डाल देते हैं यहाँ पे, ऐसा करते हैं, मल्टीपल चॉइस डाल देते हैं। अच्छा, पहले ना मैं ड्रॉप डाउन भी एक दफ़ा चेक करना चाह रही हूँ कि ड्रॉप डाउन कैसा चलता है इनका, ठीक है जी। अनटाइटल क्वेश्चन है, हाउ यू वांट टू नर्चर ऑप्शन वन में डाल देते हैं, बाय यूजिंग गेम्स, बाय यूजिंग बुक्स, रीडिंग, अच्छा चले हम इधर दो ही रखते हैं, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे दो ऑप्शन रख दिए, सबको रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड लगा लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए सही कर रहा है नहीं काम कर रहा है। अब सेंड करना है, फॉर एग्जांपल टू मैं अपनी एक दूसरी मेल पे भेज देती हूँ, तो आओ मुझे पता हुआ काम करता भी है मैं। हम टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, सर्वे फॉर्म, ठीक है, ठीक है जी। मैंने अपनी एक ईमेल पे ये फॉर्म भेज दिया है। अब मैंने एक सेकेंड ऑप्शन खोल लेते हैं, जहाँ पे मैं अपनी gmail.com खोल दी हूँ, सही है जी। और इसमें मैंने अपनी दूसरी
ईमेल लॉगिन करनी।